अन्नपूर्णा के व्यंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बेसन वाली भिंडी, बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनती है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। सबसे पहले भिंडी लाएं, साफ़ कर लें, अच्छी तरह धो लें, छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। ये 250 ग्राम भिंडी है, इसके हिसाब से एक प्याज की गांठ काट लें, दो हरी मिर्च काट लें या कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। इधर कढ़ाई में या फ्राई पैन में तेल रख दें, उसको आंच पर रख दें, तेल को गर्म होने दें। भिंडी को फ्राई पैन में डालकर फ्राई करें, हल्का सा नमक डाल दें। नमक डालने से भिंडी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी ही फ्राई हो जाती है। ये देखिए फ्राई पैन में भिंडी फ्राई हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। जब इसका रंग थोड़ा सा गुलाबीपन पर आ जाए, गुलाबी होने के बाद फिर इसको वापस एक बर्तन में निकाल लें। फ्राई पैन को फिर से आंच पर रख दें, गैस पर या इंडक्शन पर रख दें और उसमें थोड़ा सा फिर तेल डाल दें और तेल को थोड़ी देर गर्म होने दें। देखिए ये फ्राई पैन में तेल गर्म हो रहा है, थोड़ा आंच को फ्लेम को तेज कर सकते हैं, यहाँ फ्लेम को तेज कर दिया है इससे तेल जल्दी गर्म हो जाए। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, उसके बाद जो प्याज काट कर रखी है वो प्याज डाल दें और थोड़ा उसको तेल में जीरे और हींग के साथ मिला दें। कोई भी मसाला फ्राई करें, कोई भी सब्ज़ी फ्राई करें तो चलाते हुए लगातार चलाते रहें, इससे सब्ज़ी लगने का ख़तरा नहीं रहता। जो मिर्च काटी थी वो मिर्च भी डाल दी है, इसको लगातार चलाते रहें, फ्राई करते रहें। देखिए ये लगातार चलाया जा रहा है, इससे तले में लगे नहीं। और इसको तब तक चलाते रहें, तब तक फ्राई करें जब तक इसका रंग हल्का गुलाबी ना आ जाए। देखिए अभी थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर रखा है, आप चाहें तो आप भी फ्लेम को थोड़ा तेज कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 चम्मच छोटे स्पून वाले, छोटे टेबल स्पून वाले 2 से 3 चम्मच बेसन डाल दें और फिर से इसको चलाते रहें लगातार। ये देखिए बेसन डालने के बाद ये गाढ़ापन होना शुरू हो गया है। उसके बाद सभी मसाले यानी पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी, ये छोटी चम्मच है, एक एक चम्मच भर के डाली जा रही है। आपके पास अगर बड़ी चम्मच है तो आधी आधी चम्मच डाल सकते हैं, या अपने स्वाद के हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये सारे मसाले डाल दिए हैं, अब इसको फिर से चलाया जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है। ये तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो गीलापन है वो न सूख जाए। पेस्ट जब एकदम गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद ही इसमें फिर भिंडी डाली जाएगी, जो भिंडी पहले से हमने फ्राई की हुई रखी है। अब देखिए ये हल्का गुलाबीपन पे आ गया है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। ध्यान रखें नमक भिंडी में पहले भी डल चुका है, इसलिए नमक हिसाब से डालें, नहीं तो तेज़ हो जाएगा। थोड़ा अमचूर डाल दें आधा चम्मच और इसको थोड़ी देर फिर से चलाएँ, लगातार चलाते रहें, इससे तले में लगने का खतरा नहीं रहता। अगर आप चलाना बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका पेस्ट जल जाएगा, इसलिए लगातार चलाते रहें। देखिए मीडियम से और भी नीचे कर दिया है, फ्लेम को थोड़ा सा और कम कर दें
जिससे पेस्ट के मसाले के जलने का खतरा ना हो। चलाने में कोई कंजूसी ना करें। सब्जी का सही स्वाद लेना है, बिना जले तो उसको लगातार चलाते रहें, तभी सब्जी का सही स्वाद आता है। देखिए, ये कटी हुई भिंडी जो फ्राई कर दी थी वो डाल दी है, अब इसको चलाना शुरू कर दिया है। पूरी तरह से ये पेस्ट और भिंडी मिल जाना चाहिए एकदम, तभी सब्जी का सही स्वाद आएगा। देखिए, लगातार चलाया जा रहा है। आप हमारे दूसरे चैनल ग्लोबल नेचर को भी देख सकते हैं, उसमें ज्योतिष संबंधी जानकारी, एनिमेशन वीडियो, कार्टून वीडियो, एडवेंचर वीडियो लगातार डाले जाते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल ग्लोबल नेचर पर आसानी से पहुंच सकते हैं और वहां पर आपको ज्योतिष एनिमेशन की जानकारी बराबर मिलती रहेगी। अब इसको ठीक से पकाने के लिए ढक दिया गया है, पर ढक के आप निश्चिंत ना रहें, ढकने के बाद भी आप उसको ढक्कन को हटाकर बार बार देखते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप निश्चिंत हो जाएं और सब्ज़ी आपकी लग जाए, जल जाए, तो सब्ज़ी का सारा स्वाद यानी आपकी सारी मेहनत चौपट हो जाएगी, सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। ऐसा ना होने दें, ढकने के बाद भी नज़र रखें, एक से डेढ़ मिनट या दो मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पकाना है ढक के, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए, अब ये दोबारा से ढक्कन हटा दिया है, अब सब्ज़ी की स्थिति बहुत अच्छी लग रही है, लगभग तैयार हो चुकी है सब्ज़ी। आगे और भी वीडियो आपको नए नए व्यंजनों को मिलते रहेंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार जो व्यंजन, जो रसोई हमारे घरों में बनाई जाती है शुद्ध शाकाहारी, उसी तरह के व्यंजनों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और हमारे दूसरे चैनल ग्लोबल नेचर को भी डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखिए, ये पलट सब्जी बन चुकी है, इसे डोंगे में निकाल लिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।